स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 11 की गर्जना। आपके साथ मैं दीपा वाफिला। चलिए सीधे लखनऊ आपको ले चलते हैं। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। सुनवाते रही है कि प्रदेश में हमारी सरकार लोक कल्याण संकल्प पत्र को आधार मानकर गांव-गांव विकास की नई धारा बहा रही है। सरकार जनता के द्वार के कार्यक्रम के तहत मंत्री समूह के प्रवास के माध्यम से जन समस्याओं के निराकरण और उनके समाधान की प्रतिबद्धता को कायम करने में प्रयत्नशील रही है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक ऐसे पार्टी को अंगीकार करने में सफल रहा हूं जिसमें मेरे जैसे सार्वमान्य कार्यकर्ताओं को सम्मान मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी तथा पार्टी के शेष नेतृत्व पर आभारी हूं जिन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता पर भरोसा करते हुए अध्यक्ष के रूप में आप सबको के बीच में काम करने का अवसर दिया है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं आप सबको विनम्रता पूर्वक माथा नवाकर प्रणाम करता हूँ जिनके साथ हम लोग आने वाले दिनों में चाहे निकाय चुनाव हो, सहकारिता के चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, हम सबको मिलकर सफलता का लक्ष्य पूरा करना है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव अब तक संपन्न हो चुके होते, लेकिन विपक्षी दलों ने जिस तरह से हथकंडे अपनाकर निकाय चुनाव में अड़ंगा खड़ा करने का कुछ प्रयास किया है जिसके कारण ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। निकाय चुनाव विलंबित हो गए हैं। विपक्ष की गलत राय कारगुजारी से आज प्रदेश के नगर निकाय प्रशासनिक तंत्र के अधीन चला गया है, लेकिन मुझे विश्वास है समाज के सभी वर्गों के हित चिंतन करने वाली हमारी सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार, न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए नगर निकाय चुनाव शीघ्र कराकर निकायों में लोकतंत्र की बहाली कराएगी। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले और सत्ता हासिल करके रहने वाले इन दलों के नेताओं ने अब तक सिर्फ अपने परिवार, अपने चहेतों का ही भला किया है, लेकिन जातियों की राजनीति करने वाले ये परिवारवादी दल ये भूल चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता अब चुनाव में जाति, भाई भतीजावाद और राजनीति को नकार चुकी है। इसलिए मेरा विश्वास है कि कोर्ट की अनुमति के बाद जिस दिन भी प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी चुनावों को बाधित करने वाले इन सभी राजनीतिक दलों को पूरी ताकत के साथ जुटकर हम पराजित करने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश की महान जनता इस कृत्य के लिए इन्हें सबक जरूर सिखाएगी। भाइयों बहनों, बिना रुके बिना थके परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने जहां प्रदेश में उपचुनाव और में भाजपा को जिताने का काम किया है, वहीं खतौली और मैनपुरी के चुनाव में सफलता पाकर ये संदेश भी दिया है कि हमको अभी मिलकर परिश्रम और ज़्यादा परिश्रम करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में शेष बची लोकसभा सीट कर जीत कर मिशन 2024 के 80 के 80 लक्ष्य की पूर्ति करने का और एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधान सरकार बनाने के प्रतिबद्धता को हम सब लोगों को मिलकर पूरा करना है। यह लक्ष्य हम सब मिलकर पूरा करेंगे ये मेरा विश्वास है। अभी कुछ दिन पहले स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के ने आम जनमानस के साथ मिलकर इस प्रकार से घर घर तिरंगा अभियान चलाकर उसे सफल बनाया है। प्रधानमंत्री जी की अपील अपने घरों पर तिरंगा फहराने को लेकर आम लोगों के बीच जाकर जन जागरण किया, इसका असर हुआ है। लोगों ने स्वेच्छा से अपने घरों पर तिरंगा लगाया। राष्ट्रपति से ओतप्रोत इस अभिनव प्रयोग से जहां लोगों के मन में देश प्रेम की अलग जगी है, वहीं अर्थव्यवस्था में भी जबरदस्त फायदा हुआ। पार्टी द्वारा चलाए गए सेवा पखवाड़े के अंतर्गत रक्तदान शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य मेला, माननीय मोदी जी के व्यक्तित्व की प्रदर्शनी, स्वच्छता अभियान, जल ही जीवन है, वोकल फॉर लोकल, कृत्रिम अंग वितरण कैंप, प्रबुद्ध जन सम्मेलन, कोविड टीकाकरण केंद्रों पर स्टाल लगाकर जनता को जागरूक करने का अभियान, टीबी
मुक्त राष्ट्र अभियान के अंतर्गत जन भागीदारी के माध्यम से इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को गोद लेने का काम, पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से वृक्षारोपण का काम, महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर खादी के उत्पादों को खरीदने का आग्रह, विविधता में एकता के कार्यक्रम के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत के परिकल्पना को साकार करते हुए जनपद में विभिन्न संस्कृति को सजोते हुए विविधता के में एकता के कार्यक्रम किए गए हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र से माननीय सांसद हैं, विशेष तौर पर उनका अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने काशी तमिल संगमम की परिकल्पना की और 19 नवंबर को उद्घाटन के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। यह भारत की गौरवपूर्ण संस्कृति विरासत से देश को परिचय कराने की यात्रा की शुरुआत। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस आयोजन के जरिए संस्कृति और सभ्यता के दो काल जयी केंद्रों को संगम के सहारे देश की एकता की डोर में बांधकर अधिक मजबूत करने का काम किया। ये हमारी प्राचीन संस्कृति के आदान प्रदान और पुरातन परंपरा को जोड़ने का अद्भुत प्रयास रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को चरितार्थ करने वाला ये आयोजन था। ये एक ऐसा प्रयास है जो भाजपा को अन्य राजनीतिक पार्टियों से अलग करता है। इस आयोजन से हम सब कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिली है कि हम अपने शहरों में विभिन्न भाषाओं भाषी लोगों के साथ मिलकर उनके त्यौहार, उनकी वेशभूषा, उनके खान पान में समरस हो और एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करें। राजनीति से इतर देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए यह संकल्प भाजपा की एक पहचान है। एक माह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के अवसर पर देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का सानिध्य काशी तमिल संगमम के दौरान हम सबको मिला। उत्तर प्रदेश की धरती काशी और तमिल संगमम के संस्कारों, भाषाओं और संस्कृति का समागम का साक्षी बनी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा ही प्रयास आंध्र प्रदेश में आज हो रहा है, जहां उत्तर प्रदेश का महोत्सव बनाया जा रहा है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की कर्मठता से जहां काशी कॉरिडोर का आज पूरा पूर्ण आभा के साथ चमक रहा है, वही अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रभु की जन्मभूमि पर भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण का कार्य तीव्र गति से पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहा है। यही नहीं, चित्रकूट की रामधारा से लेकर भगवान की बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, राधा कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन प्रदेश की संस्कृति के आधार बन रहे हैं। चक्रतीर्थ देवी शरण महाविंध्यवासिनी धाम के विकास का कार्य निरंतर प्रगति की ओर अग्रसित है। घरेलू पर्यटन, धार्मिक संस्कृति के महत्व, मेले, तीर्थस्थलों के विकास, वहां की आवश्यक सुविधाएं, आधारभूत ढांचे का विकास करते हुए आने वाले तीर्थयात्री एवं पर्यटकों की सुविधा की एवं सुरक्षा की दृष्टि से ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है। सफल कुंभ का आयोजन कर चुकी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार जहां आने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारी तेज गति से कर रही है, वहीं प्रतिवर्ष होने वाले माघ मेले की सुचारू व्यवस्था भी कर रही है। ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहर से सुरक्षा संबंधन तथा इससे जुड़े व्यक्ति, कलाकारों, स्थानीय समुदाय की आमदनी बढ़ाने व रोजगार साधन सृजित करने के निरंतर प्रयासों की सराहना हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की नीतियों पर चलते हुए जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को राज्यों में मूर्त रूप दिया जा रहा है। अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर देश भर में सफलतम सरकार साबित हुई। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुसरण अब अन्य राज्य भी कर रहे हैं। हम सब जानते हैं 2017 से पूर्व विपक्षी दलों की सरकारें उत्तर प्रदेश में होती और किस प्रकार की परिस्थिति थी। यहाँ निवेशक तो आना दूर, प्रदेश से लोग निवेशक पलायन कर रहे थे। उस समय न तो वे सुरक्षित थे, न उनकी पूंजी सुरक्षित थी। आज उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार का जनमानस का विश्वास और भरोसा जीतने में सफल रही है, जिसके कारण निवेशकों का भरोसा पाने में भी सरकार कामयाब रही है।
प्रदेश को देश की नंबर वन अर्थव्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर हमारी सरकार बड़ी संख्या में निवेश करा रही है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मंत्री समूह के देश से लेकर विदेश तक के प्रवास रोड शो ने उत्तर प्रदेश के बारे में एक आर्थिक अवधारणा को स्थापित किया है। बड़ी संख्या में निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई है, जो आने वाली तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग श्रेणी में मूर्त रूप लेने जा रही है। प्रदेश के भयमुक्त वातावरण ने न सिर्फ निवेशकों को आकर्षित किया है, बल्कि उत्तर प्रदेश अपराध, गुंडागर्दी और अराजकता वाली छवि से भी मुक्त हुआ है। लोक कल्याण संकल्प पत्र को लेकर प्रतिबद्ध सरकार ने किसानों के लिए जहां एक ओर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर पंप प्रदान करने में एक नया मुकाम हासिल किया है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम हो रहा है। किसानों में गन्ना भुगतान हो या किसानों के लिए FPO की स्थापना कर उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। सभी मोर्चों पर सरकार पूरी तरह से सफल रही है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए लगातार उसी दिशा में प्रोत्साहन में जुटी प्रदेश सरकार ने बीज वितरण और खरीद में दोनों मोर्चों पर समान कार्य किया है। राज्य में प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा को लेकर अपने आप में एक उदाहरण है। प्रदेश की सरकार में बेपटरी हुई प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को 97% से अधिक बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश देकर सरकार ने शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का काम किया है। ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत प्रदेश में विद्यालयों में एक नया आयाम स्थापित किया है। टैबलेट वितरण, स्मार्टफोन वितरण से लेकर चुनावी सभाओं में सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले विपक्षी दलों को करारा जवाब देते हुए जिस प्रकार से टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया गया है, उसके लिए उतनी प्रशंसा की जाए सरकार की वो कम है। हम जानते हैं राज्य में एक बार सपा की सरकार आई, जिसने लैपटॉप के मूल्यों से अधिक उसके वितरण का खर्चा उनके समारोह पर कर दिया था। भाइयों बहनों, सरकारी नौकरी में भी पारदर्शिता किसे कहते हैं, यह सरकार के नियुक्ति पत्रों के सामूहिक वितरण से समझा जा सकता है। इससे राज्य ने एक नए वातावरण का सृजन हुआ। राज्य के तकनीक विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार ने नोएडा में आधुनिक डाटा सेंटर की स्थापना कर एक नई पहल की है। राज्य में आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए एक्सप्रेसवे नेटवर्क का काम तेजी से किया जा रहा है। चाहे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण की ओर उत्तर प्रदेश सरकार के बढ़ते कदम हो या लखनऊ कानपुर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के लिए किए जा रहे कार्य, या फिर तेजी से निर्माण किए जा रहे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे सहित अन्य आधारभूत ढांचे की दिशा में किए जा रहे कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर आगमन की दृष्टि से अनुकूलता का माहौल पैदा कर रहे हैं, वही राज्य का विकास का प्रतिबिंब भी बन रहे हैं। देश की पहली रैपिड रेल का निर्माण उत्तर प्रदेश में तेजी से चल रहा है, जो राष्ट्रीय राजधानी उत्तर प्रदेश के संपर्क के लिए अनुकूलता पैदा करेगा। हवाई अड्डों के विस्तार की दिशा में किए जा रहे कार्य और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वाराणसी में गंगा विलास क्रूज का आरंभ किया जाना पर्यटन की दिशा में एक दूरगामी कदम है। इससे प्रदेश के अंदर जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात के कार्यक्रम प्रेरक और अद्भुत बातें करते हैं, जिससे देशवासियों के हौसले बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जितने सरल तरीके से मन की बात के कार्यक्रम में लोगों को अनोखे कारनामों से लेकर देश की उपलब्धियों का व्याख्यान करते हैं, वह देशवासियों के हृदय को स्पर्श करती है। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जनता का कार्यक्रम है। आज इस मंच पर कोई अब राजनीतिक बात नहीं हुई। हम सभी जानते हैं कि 2023 में इस लोकप्रिय कार्यक्रम का 100वां संस्करण प्रसारित होगा। हमने पूरे मनोयोग से इसे अविस्मरणीय बनाना है। इस बार 29 जनवरी को मन की बात के कार्यक्रम में हम अपने बूथों पर सब लोगों ने सुना है, सुनने के उपरांत बूथ समिति की बैठक में भी सभी लोगों को इसमें सहभागिता करनी है। भाइयों बहनों, आज हम राजनीति के ऐसे पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं जहां लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं हमसे बढ़ी है। प्रदेश के 24 करोड़ लोग का सरोकार आज संगठन और सत्ता के साथ सीधे भाजपा से जुड़ा है।
यह संगठन और सरकार दोनों के बीच मौजूद है। हर आदमी के सुख दुख में सरकार ने अपना लिया है। भाजपा सरकार कर्म प्रधान सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले 5 वर्षों में अपरिय कौशल के साथ लोगों के जीवन को में खुशी भरने का काम किया है। कोरोना काल से लेकर अब तक प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को लगातार राशन देकर उनके सुखी जीवन को जीने की सहायता सरकार ने की है। किसानों, महिलाओं, नौजवानों की समृद्धि हमारा लक्ष्य है, जिसको पाने की ओर हमारे कदम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा यह प्रयास और उद्गार प्रदेश के लोगों को स्नेह प्राप्त करने में फिर से हम लोगों के लिए सहायक बनेगा, यह मेरा विश्वास है। हम अपने लक्ष्य को प्राप्ति करेंगे और जो भी चुनेंगे उसे आप सब कार्यकर्ता भाइयों बहनों के साथ उसे हासिल करने का काम करेंगे। मैं इसी उद्घोष के साथ एक बार आप सभी का पुनः अभिनंदन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं, और इस लक्ष्य के साथ कि भारतीय जनता पार्टी के जो लक्षित हमारे कार्यक्रम अभियान हैं उन कार्यक्रमों को हम लोग सब मिलकर पूरा करेंगे और हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को भी, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे नगर निकायों के चुनाव हो, चाहे आने वाले ये 5 विधान परिषद की सीटों के चुनाव हैं, निश्चित रूप से हमें 100% सफलता के साथ आगे बढ़ना है, ऐसा मेरा निवेदन है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी का अध्यक्षीय संबोधन हम सबको प्राप्त हुआ, एक बार हम सब लोग उनके स्वागत करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आगे की संचालन माननीय अध्यक्ष जी अध्यक्षीय संचालन करने का तस्करी माननीय अध्यक्ष जी। आज सौभाग्य का विषय है कि हमारी कार्य समिति में हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।